की मुकम्मल मालूमात दूंगा। डफ के केज का साइज क्या होना चाहिए, डफ क्या खाता है, डफ घोंसला किस तरह बनाता है, डफ से आप किस तरह अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, डफ किस उम्र में एडल्ट होते हैं और डफ कितने अंडे देता है और इसके बच्चे कब सेल हो जाते हैं, ये तमाम मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आप इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो मैं आपका वक्त ज़ाया किए बिना चलता हूँ टॉपिक की तरफ और कैमरे को करता हूँ डफ की तरफ ताकि मैं डफ की मुकम्मल मालूमात आपको आसानी समझा सकूँ। अब बात कर लेते हैं डायमंड डफ की खुराक की। डायमंड डफ खाने में बारीक कंगनी, मोटी कंगनी जिसको हम चीना भी कहते हैं, लाल कंगनी, बारीक देसी बाजरा, सफ़ेद तिल शौक से खाता है। डायमंड डफ के केज में समंदरी झाग, कैटल बॉन फिश भी लाजमी रखें। इनको ग्रीन फूड में आप दे सकते हैं पालक, हरा धनिया, पुदीना, मेथी, ये एक एक करके किसी भी दिन बारीक बारीक काट कर आप दे सकते हैं। डायमंड डफ को हफ्ते में एक बार सर्दियों के अंदर एक अंडा ले लें, बारीक बारीक काट कर लाजमी दें। इससे डायमंड डफ की खुराक अच्छी रहेगी और सेहत ख़राब नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं डायमंड डफ में नर और मादा की पहचान। डायमंड डफ में नर और मादा की पहचान बहुत ही आसान है। नर का सर ऊपर से चौड़ा और आंखों के गिर्द ऑरेंज रिंग बाहर की तरफ वाजा होगा, जबकि मादा का सर नर की निस्बत छोटा होगा और आँखों के गिर्द ऑरेंज रिंग हल्का होगा। अब बात कर लेते हैं डफ की नेस्टिंग मटेरियल की। डफ बजीज या फिंचिस की तरह मटकी में अंडे नहीं देते बल्कि ये छन्नी के अंदर अंडे देते हैं। इनकी छन्नी केज के ऊपर की जानिब लगाते हैं और उसमें सूखी घास रखते हैं। अगर आपके पास सूखी घास अवेलेबल ना हो तो आप ग्रीन घास का भी इंतखाब कर सकते हैं। ग्रीन घास को दो दिन धूप में रख दें तो ये सूख जाएगी और फिर चाय की बड़ी वाली छन्नी इस तरह की ले लें जैसी आपको वीडियो में नज़र आ रही है। इस तरह की एक छन्नी लें और इसके अंदर घोंसला इस तरह से बनाएं, इसके अंदर घास रख दें और फिर घास रखने के बाद इसकी घास की सेटिंग कर दीजिए और एक बारीक तार ले लीजिए। तार को छन्नी से इस तरह दीजिए ताकि घास उड़े नहीं। और दोस्तों उसके बाद तार को अच्छी तरह से बांध दीजिए और घास के ऊपर थोड़ा सा कूपेक्स पाउडर भी डाल दीजिए और अगर पॉसिबल हो तो कूपेक्स पाउडर डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा बुरादा भी डाल दीजिए। अब बात कर लेते हैं डफ की ब्रीडिंग की। डफ पहले छन्नी पर घोंसला बनाएगा और फिर मादा को मेटिंग के लिए राजी करने के लिए मोर की तरह अपनी दुम उठाएगा और फिर बार बार आवाज़ लगाएगा। फिर दोनों मिलकर सूखी घास और ठेनियों से घोंसला बनाते हैं और इनकी ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती है। ये दो सफ़ेद रंग के अंडे देते हैं और दो ही बच्चे निकालते हैं। इसमें नर और मादा दोनों ही अंडों पर बैठते हैं और कभी कभी दोनों साथ इकट्ठे भी बैठते हैं। अंडों में से 14 से 15 दिनों में बच्चे निकल जाते हैं और टोटल 15 दिन में बच्चा सेल्फ हो जाता है और जोड़ा फिर अगली ब्रीड की तरफ चला जाता है और इस तरह पूरा साला साल ये सिलसिला जारी रहता है। डायमंड डफ 5 माह की उम्र में एडल्ट हो जाते हैं और ब्रीड शुरू कर देते हैं। इनमें लड़ाई भी नहीं होती, आप ये कह सकते हैं कि ये पुरअमन परिंदा है। तो दोस्तों ये तो थी डायमंड डफ की बुनियादी बातें। अब वो इस्लामी भाई या वो लोग जो घरों में अपना ये सेटअप लगाना चाहते हैं या ये काम करना चाहते हैं या अपनी जेब खर्च चलाना चाहते हैं तो मेरा उनको ये मशवरा है कि डायमंड डफ लगाएं। अगर आपके पास छत है और छत के अलावा कोई और जगह नहीं तो डायमंड डफ से बेहतर इस वक्त कोई परिंदा नहीं, क्योंकि डायमंड डफ गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। बाकी इनकी गर्मी और सर्दियों में किस तरह हिफाजत करनी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपने डायमंड डफ का सेटअप लगाना है तो डफ ऐसी खरीदें जो पहली ब्रीड के लिए रेडी हो और डायमंड डफ लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि परिंदा साफ और चमकदार हो, खासकर इनकी दुम टूटी हुई ना हो, चाहे आपको थोड़े ज़्यादा ही पैसे देकर लेनी पड़े। मुस्तकबिल में आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आपने पिंजरा ऐसा लेना है जिसका साइज़ कम से कम 1.5x1.5 हो, अगर 1.5x2 भी हो तो भी बेहतर है। और डायमंड डफ का पिंजरा ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह के वक्त धूप आती हो, अगर सुबह के वक्त धूप ना आती हो तो शाम के वक्त भी धूप आती होगी तो भी कोई मसला नहीं। तो दोस्तों ये थी डफ की मुकम्मल मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।